Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, today I will teach you chapter 14 of English grammar, that is doing words. Children, doing words are also called verbs. Doing words क्या होते हैं? Now look here. Read these sentences. Gauri plays the piano. अब इस सेंटेंस में देखो. Gauri piano से खेल रही है. Play कर रही है. तो in this sentence, plays is the doing word. Because this word is showing that a person is doing something. Next, Arushi goes to school in the morning. What is the doing word over here? It is goes. क्योंकि Arushi क्या कर रही है? जा रही है. तो इससे शो हो रहा है कि Arushi जा रही है. तो goes क्या हुआ? Action word. किसका? Arushi का. I eat breakfast at 7 o'clock. मैंने नाश्ता 7 बजे किया. इस सेंटेंस में eat word जो है वो action word है. They walk in the park. Here, walk shows that someone is doing an action. So students, देखा आपने, all sentences have a doing word. हर एक sentence में action शो हो रहा है. Plays, goes, eat and walk are doing words. There are some words that tell us what a person or thing is doing. They are called doing words. It means these words show some actions are being done. For example, bake, hop, think, bend, jump, come, cry, fall, walk, etc. Children, इन सभी words से यह show हो रहा है कि कोई ना कोई action हो रही है. Look at this grid. Let's read it. Find these doing words in the word grid and circle them. यह grid दी गई है. इसमें से हमें सारे doing words ढूंढने हैं जो ऊपर box में दिए हुए हैं, और उन doing words पर circle करेंगे. But children, remember one thing. जैसे ही ग्रिड में एक एक डूइंग वर्ड्स पर हम सर्कल लगाएंगे, वैसे ही ऊपर दिए गए बॉक्स में से उन डूइंग वर्ड्स पर टिक करेंगे. ओके, बिकॉज इट विल बी ईजी फॉर यू टू फाइंड अदर डूइंग वर्ड्स. फर्स्ट वन इज बेक. लेट्स सी वेयर इज द वर्ड बेक. बेक इज over here, so we have to circle it and tick over here. Next is hope. Hope is showing some action. अब इस ग्रिड में से होप वर्ड ढूंढिए. ये रहा H-O-P, होप. होप पर सर्कल करो और ऊपर दिए गए बॉक्स में होप यहाँ लिखा हुआ है, इस पर टिक करेंगे. थिंक इज ऑल्सो शोइंग दैट समथिंग इज बींग डन. हेयर इज थिंक. नेक्स्ट बेंड. बेंड इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड. अगर आपकी कुछ चीज़ गिर जाती है तो उसको उठाने की वजह से हम बेंड होते हैं, मतलब झुकते हैं. तो चिल्ड्रन, बेंड भी एक एक्शन वर्ड है. नेक्स्ट जंप. जंप इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड. सपोज बच्चा कूद रहा है, मीन्स जंप. तो वह कुछ कर रहा है,
मतलब उसका एक्शन क्या हुआ? यस, जंप. नाउ सी नेक्स्ट वन, COME, कम. आप क्लास में अंदर आते हैं तो मैम से क्या पूछते हैं? मे आई कमिंग मैम? कम इज ऑल्सो एन एक्शन वर्ड विच इज बींग डन. नाउ वेयर इज कम? हेयर इज कम, COME, कम. नेक्स्ट इज क्राई. वॉट इज अ एक्शन बींग डन? क्राइंग इज अ एक्शन विच इज बींग डन. सो सर्च करो इस ग्रिड में से कहाँ लिखा हुआ है क्राई. ये रहा, सर्कल करेंगे इसको. नाउ नेक्स्ट इज FALL, फॉल. फॉल इज ऑल्सो शोइंग सम एक्शन विच इज बींग डन. सो दिस इज ऑल्सो अ डूइंग वर्ड. सर्कल करें और ऊपर दिए गए बॉक्स में से टिक करते चलें. बच्चों, आप ऊपर दिए गए बॉक्स में टिक कर रहे हैं, इससे हमें दूसरे वर्ड को ढूंढने में आसानी हो रही है. यस. नेक्स्ट इज वॉक. चलना भी एक एक्शन है. सो स्टूडेंट्स, हेयर इज वॉक, सर्कल इट. स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू दिस ग्रिड इन योर book and read these all sentences and write the definition of verb in your English 2 notebook.